हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है ममाज मैजिक पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीना और हरी धनिया की मिक्स चटनी। पुदीने की चटनी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और आज हम इसे हरी धनिया के साथ बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप पुदीने के पत्ते, जिससे मैंने सिर्फ पत्तियाँ ली हैं। आप चाहे तो जो नरम डंठल होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे मिक्सर जार में ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप कटी हुई हरी धनिया। आप चाहे तो सेम क्वांटिटी में हरी धनिया ऐड कर सकते हैं, यानी 1 कप पुदीना और 1 कप हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 कटी हुई लहसुन। देखिए, मैंने लहसुन को बीच में से कट कर लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। और आधी चम्मच इसमें जीरा ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसमें नमक मैं ऐड कर रही हूँ, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। नींबू के रस से जो चटनी का स्वाद है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप चाहे तो अगर गर्मी के सीज़न में चटनी बना रहे हैं तो कच्चा मैंगो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी, जिससे हमारी चटनी अच्छे से पीस जाएगी और स्मूथ बनेगी। तो चलिए ढक्कन लगाकर हम अपनी चटनी पीस लेते हैं। देखिए, मैंने अभी चटनी पीस के तैयार कर ली है। वाह, कितनी अच्छी चटनी बन के रेडी है। इसका टेक्स्चर, कलर सब कुछ एकदम परफेक्ट आया है। आप इसे पास से देखिए, चटनी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 2 से 3 दिन आसानी से खा सकते हैं। पुदीने की चटनी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, टमाटर के साथ, मैंगो के साथ, हरी धनिया के साथ, नारियल के साथ, और सिर्फ पुदीने से भी बनाई जाती है। उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द करूँगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।